हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक टेक में। तो आज हम बात करने वाले हैं यूएसबी ब्लूटूथ डिवाइस के बारे में, जो एक छोटा सा डोंगल है जो आपके एक नॉन ब्लूटूथ पीसी को ब्लूटूथ पीसी में जो है कन्वर्ट कर देता है। तो अभी तक आपने जो है सिर्फ सुना होगा वाईफाई ब्लूटूथ डोंगल्स के बारे में, लेकिन ये कुछ नया है ब्लूटूथ। या आपके ब्लूटूथ डिवाइसेस को जो है कंप्यूटर से इजीली कनेक्ट कर सकता है, अगर आपका एक नॉन ब्लूटूथ पीसी है तो, या आपका लैपटॉप डेस्कटॉप किसी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी बेस्ट डोंगल है ये। काफ़ी सारे मैंने लोकल ब्रांड्स चेक किए थे, बट उनकी जो रेंज है कनेक्टिविटी का इशू जो है उनमें रहता है लोकल ब्रांड्स के साथ। अगर आप जाते हो तो क्वालिटी उनकी इतनी अच्छी नहीं होती है, आपकी जो वॉइस है वो सॉन्ग्स की जो वॉइस है वो डिस्टर्ब होती रहेगी, बार बार लैग होती रहेगी। वीडियो आपकी अलग चल रही है, आवाज़ आपको बाद में आ रही है, या वीडियो आपकी लेट चली गई है, हम लोग कहीं ना कहीं आपका गैप जो है उस चीज़ में रहता है। बट इस वाले डिवाइस के साथ ऐसा नहीं है। ये भले ही यहाँ पे दिख रहा है आपको ब्लूटूथ किसी 4.0 वर्जन में है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेहतर है और ब्लूटूथ डिवाइसेस के कंपैरिजन अगर आप देखेंगे तो इसलिए मैंने इसको ही मंगाया है। और इसका मॉडल मैं आपको बता देता हूँ, टीपी लिंक का यूएसबी ब्लूटूथ अडैप्टर है ये, UP400। काफ़ी बेस्ट है, सारी चीज़ें देखने के बाद ही मैंने इसको मंगाया था। और 489 रुपये का जो है मुझे ये मिला है, और जो डिलीवरी है इसकी वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट थी। 3 दिन का टाइम इसने मुझे दिया था डिलीवरी के, लेकिन मेरे पास जो सिर्फ 2 दिन के अंदर आ गई थी। तो चलिए इसका एक बार अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, रूम दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए पैकेज जो है आ चुका है हमारे पास, तो फटाफट इसको जो है अनबॉक्स कर लेते हैं हम। सीजर कहाँ है भाई? सीजर ये मिल गया, सीजर काट देते हैं इसको। ये अभी हमारा जो बॉक्स है ये देखिए, वाह, टीपी लिंक ब्लूटूथ 4.0, वाह, नैनो यूएसबी अडैप्टर है दोस्तों ये, UP400। ये देखिए कुछ इसके ब्रीफ्स दे रखे हैं, हर एक लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं, बार कोड भी है साथ में। और ये कुछ इसकी पेंडिंग्स फीचर्स एक्सप्लेन कर रखे हैं। 4.0 है और विंडो 10, 8, 7 में आपका जो है और XP में काम करेगा। ये भी यहाँ कुछ ब्रीफ्स है, ये कुछ इसकी मैनुफैक्चर डिटेल्स है, पढ़ सकते हो आप यहाँ से, कभी इम्पोर्ट हुआ था। और 1 साल की वारंटी के साथ जो आपको ये मिलता है, वो जिसके बार कोड स्कैनर्स वगैरह हैं। तो चलिए खोल लेते हैं इसको। ओहो फट गया ये तो, कोई बात नहीं। तो भाई ये निकल गया है, ये देखिए, वाओ क्या शानदार लुक है। ये देखिए क्वालिटी जो आपको दिखेगी यहाँ पे, ये वही बकवास मैनुअल, कोई नहीं पढ़ता इसको, हम भी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप चाहो तो पढ़ सकते हो। वाह ये देखो, ये इसका हटा देते पन्नी वन्नी इसकी जो भी है। वाह ये देखिए, ये दोस्तों देखो क्वालिटी जो है ना इसकी, बहुत ही दमदार क्वालिटी है, प्रीमियम क्वालिटी जिसे हम कहते हैं ना, खतरनाक वो है इसकी। लेकिन आप मार्केट में जाकर देखेंगे तो बहुत सारे डिवाइसेज अवेलेबल मिल जाएंगे आपको ब्लूटूथ के, लेकिन कोई भी ढंग का नहीं है। लेना तो है टीपी लिंक का लेना, ये जबरदस्त जबरदस्त काम करता है बिल्कुल। तो क्वालिटी आपको दिख रही है इसकी, देखने से पता चल रहा होगा कितनी बेस्ट क्वालिटी है। चलिए इसको USB में लगा के चेक कर लेते हैं क्या कुछ रिस्पॉन्स है। और ये जो डिवाइस है ना आपका, ये प्लग इन प्ले है, ये विंडो 10 में आपको जस्ट USB में प्लग इन करना है और ये आपका फटाक से काम जो है कर देगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, ना कोई ड्राइवर, ना कुछ कोई ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, सीधा चलेगा आपका। ये देखिए यहाँ पे अभी जो इसका सिंबल है वो भी बन गया होगा, ये देखिए आ गया सिंबल। यहाँ से आप अपना ब्लूटूथ डिवाइस जो है कोई भी किसी के साथ जो है कनेक्ट कर सकते हो इजीली। तो चलिए मैं आपको दिखा और देता हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से जो इसका सेटअप करना है और किस तरीके से जो है ये आपको दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे जो है इसका आइकन जो है बन चुका है, और जस्ट प्लग इन प्ले करने के बाद ही आ जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
पर आपका इन केस नहीं आता है यहाँ पे ये, अगर आपके पास विंडो 10 है तो ऑब्वियसली आपका यहाँ पे दिखाई देगा आपको ये। अगर नहीं दिखाई देता आपको यहाँ पे तो अपन आप पीसी जो है आप एक बार रिस्टार्ट कर लीजिए, तो उसके बाद दिखा दे जाएगी कुछ इस तरीके से जो है डिवाइस मैनेजर में आपको चीज़ें दिख जाएगी यहाँ पे। अगर ये दिखा रहा है तो ऑब्वियसली ये भी दिखाएगा, अगर नहीं दिखा रहा तो रिस्टार्ट करने के बाद दिखा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके अलावा आपके पास विंडो 7, विंडो XP या विंडो 8 या विंडो 8.1 है तो उसके लिए आपको इसके ड्राइवर जो है डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो देखिए मैं आपको यहाँ से अब एक डिवाइस जो है कनेक्ट करके दिखा देता हूँ, जस्ट ऐड ब्लूटूथ डिवाइसेस करना है। ब्लूटूथ कि मेरे पास रियलमी का बर्ड्स प्रो है तो उसको मैं आपको सेटअप करके दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए ये यहाँ पे आ गया है Realme Buds Wireless Pro, ये मेरा नेक बैंड है और इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। ये देखिए आप देख सकते हैं हो चुका है यहाँ से हमारे वॉइस के लिए और म्यूजिक के लिए ये, और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ अभी गया हुआ। ये देखिए इसका बैटरी बार भी यहाँ पे शो कर रहा है कितने परसेंट बची हुई है, और यहाँ साउंड्स में देख लेते हैं हम यहाँ पे दिखाया है कि नहीं दिखाया है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे भी जो है ये आ चुका है, ठीक है। तो इसकी मैं आपको आवाज़ और सुना देता हूँ यहाँ से टेस्ट करके कि भाई किस तरीके से जो है इसकी आवाज़ आ रही है और कैसा इसका वो है। तो हल्की हल्की आवाज़ आएगी फिलहाल तो, क्योंकि मैं माइक के थ्रू इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो फुल वॉल्यूम पे करके मैं आपको इसका दिखाता हूँ यहाँ से, देखिएगा अभी आप। शायद लगता है आवाज़ थोड़ी बहुत आई होगी आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे हो और माइक मेरा काफ़ी दूर है तो इस वजह से। तो ये जो है इसका छोटा सा सेटअप था, अनबॉक्सिंग थी और रिव्यू था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को जो है लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को हमारे, और वीडियो को जो है शेयर भी कर सकते हैं आप अपने अदर फ्रेंड्स के साथ। चलिए दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।